आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। भाजपा में शुरू हो गया इस्तीफों का दौर। भाजपा के पूर्व महामंत्री सहित पूर्व मंडल अध्यक्षों ने सौंपा इस्तीफा। पार्टी पर विचारधारा से अलग जाने और बाहर से आए लोगों के दबाव में होने के लगाए आरोप। दमोह में अगले वर्ष प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव और वर्तमान में चल रही त्रिस्तरीय चुनाव प्रक्रिया के बीच भाजपा से नाराज चल रहे पूर्व पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी खुलकर दिखानी शुरू कर दी। जहां दो दिन पहले पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया भाजपा को छोड़ने का सार्वजनिक ऐलान कर चुके हैं, अपने स्तर पर चुनाव में उतरने की बात कह चुके हैं, वहीं बुधवार को लगभग आधा दर्जन वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भी अपना इस्तीफा जिलाध्यक्ष को सौंपा। भाजपा जिला कार्यालय में पहुंचकर पूर्व महामंत्री रमन खत्री, पूर्व जिला मीडिया प्रभारी और संख्यक मोर्चा के पदाधिकारी रहे कपिल सोनी सहित मंडल अध्यक्ष रहे मनीष तिवारी, संतोष रोहित, अभिलाष हजारी मिंटू ने अपने इस्तीफे सौंप दिए। आपको बता दें, बीते दिनों कुछ पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया था और कुछ आज पदाधिकारियों सहित महिला मोर्चा की महिला पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दिया। करीब 10 लोगों ने आज इस्तीफा दिया। बाइट है 3। 3 से उपेंद्र राजा ठाकुर की रिपोर्ट। आज इस्तीफा देने के लिए आई हूँ, क्या बात है? वो बात वही है कि इतने लगातार काम करने के बाद पार्टी द्वारा इतना अपेक्षित होना, जो शायद डेढ़ साल से ही देख रहे थे, चुनाव के बाद से लगातार किसी भी पायलट कार्यक्रम में नहीं बुलाना, 15 अगस्त कार्यक्रम में बुलाना, सूचना देना, शायद लोग मन में कहीं ना कहीं बहुत दुखी कर रहा था। पार्टी में काम करने के बाद हम लोग इतनी आदत पड़ चुकी थी और पार्टी के लिए हम लोग सब समर्पित थे, आप लोग सब जानते हैं इस चीज़ का। आज आप लोगों ने पार्टी की क्या बोला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पुराने वरिष्ठ और नए युवा साथी हैं जो जयंत मलैया जी से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। उन्हें भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता है, जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है सभी प्रकार से। इन सब तरीकों से हम लोगों ने प्रताड़ित होकर, और जो कांग्रेस से आई हुई जो नेता हैं, आयतक नेता हैं, जो दूसरे दलों से आई हुई हैं, उनको हमारे मूल कार्यकर्ताओं ऊपर बैठा कर नेता बनाकर उन्हें बड़े बड़े पद देकर उनको राजनीति करवाने का हम लोगों का बड़ा मन शुभ है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर इस्तीफा देने आए थे। दूसरी एक बात और मैं मीडिया के माध्यम से आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, 1.25 साल के लगभग हम लोग यहाँ पर निष्कासित हुए हो चुके हैं। हम 5 मंडल अध्यक्षों को भारतीय जनता पार्टी से निकाला गया था, उस समय निलंबित किया गया था, निष्कासित नहीं किया गया था। तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि क्या उस समय जो चुनाव की संपूर्ण जवाबदारी थी जिताने की, क्या केवल मंडल अध्यक्षों की थी 5ों की? अगर मंडल अध्यक्षों की जवाबदारी थी तो क्या मंडल अध्यक्ष से पूछ कर टिकट दी गई थी? हम लोग तो चूँकि शुरू से कह रहे थे कि राहुल सिंह का विरोध है। मैं आज ये बात इसलिए सामने पूछना चाहता हूँ क्योंकि मौका मिला और बहुत समय से भड़ास हमारे अंदर भरी हुई है। और भी जिम्मेदार लोग थे, क्या प्रीतम सिंह जी जिला अध्यक्ष जो हैं, चाहे युवा मोर्चा के अध्यक्ष हों, चाहे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष हों, चाहे महिला मोर्चा के हों, चाहे प्रभारी मंत्री हों, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, वो भी यहाँ पर 15 दिन रहे, 12 दिन यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी रहे, या उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी? मात्र जो भारतीय जनता पार्टी के 5 अध्यक्ष हैं, आप लोगों का भाजपा कार्यालय में आना हुआ है, क्या कारण? आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के, हालांकि परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिद्धार्थ भाई ने इस्तीफा दिया था, पिछले कुछ समय से हम सब देख रहे थे कि मैंने पार्टी में, हम हैं कपिल जी, मनीष जी हैं, संतू जी हैं, अपने अभिलाष हजारी मिलती हैं, देवेंद्र हैं, 4 ये मंडलाध्यक्ष हैं, और मैं पूर्व जिला महामंत्री रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में, 3 बार महामंत्री रहा हूँ। कपिल जी दूसरा वर्ग मोर्चा में अध्यक्ष रहे हैं, युवा मोर्चा में भी मैंने लगभग 10 साल जिलाध्यक्ष पद का दायित्व का निर्वहन किया। लेकिन कुछ समय से देखा जा रहा है, जो मैंने इस्तीफा में भी उल्लेख किया है, जो आपको एक कापी देंगे, कि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में वरिष्ठ और पुराने जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनकी घनघोर उपेक्षा हो रही है, और दल बदल कर जो नेता आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको काफ़ी सम्मान दिया जा रहा है, पुराने कार्यकर्ताओं को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो दल बदल कर नेता आ रहे हैं उनके पैरों तले भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी मूल विचारधारा को रुंधवाने का काम कर रहे हैं, जिससे मन काफ़ी आहत है। मैं इसी कारण से आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से हमने इस्तीफा दिया है, और आने वाले समय में हम अपना जो कदम होगा वो करेंगे। ये बात लेकिन आपके माध्यम से मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि हम लोग किसी और दूसरे राजनीतिक दल में नहीं जा रहे हैं। एक कारण तो आपने अपने इस्तीफे का बता दिया, दूसरा कारण ये कि